Assalamu alaikum viewers, my name is Shahre Seema. Welcome back with another video of Lahore Smart City. This video is about 7 Marla residential plots in Lahore Smart City. इस वीडियो में मैं आपको लाहौर स्मार्ट सिटी में 7 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की ओल्ड प्राइजेज, न्यू प्राइजेज, डायमेंशन, साइज, डेवलपमेंट चार्जेस, प्राइम लोकेशन चार्जेस और लोकेशन के बारे में बताऊंगा कि ये एग्जैक्टिव ब्लॉक में और ओवरसीज ब्लॉक में किस किस जगह पर लोकेटेड है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी टच कर दें ताकि आपको लाहौर स्मार्ट सिटी के रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। लाहौर स्मार्ट सिटी पाकिस्तान का दूसरा और लाहौर का पहला स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। अगर लाहौर स्मार्ट सिटी की लोकेशन की बात करें तो ये लाहौर की बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पर वाकई है। लाहौर स्मार्ट सिटी लाहौर की 5 पब्लिक रोड से डायरेक्टली लिंक्ड है, जिनमें लाहौर बाईपास, N5 GT रोड, लाहौर रिंग रोड, M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे और M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे आती हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी के एक तरफ N5 GT रोड आती है जो लाहौर को गुजरांवाला के साथ कनेक्ट करती है, दूसरी तरफ M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे आती है जो लाहौर को सियालकोट के साथ कनेक्ट करती है। M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे से भी लाहौर स्मार्ट सिटी को आसान तरीन रसाई फराम की जाएगी। लाहौर स्मार्ट सिटी के साउथ साइड पर लाहौर बाईपास आती है जो डायरेक्टली जाकर लिंक करती है लाहौर रिंग रोड के साथ। लाहौर रिंग रोड के जरिए आप लाहौर के तमाम इलाकों को आसान तरीन तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी की साइड से 3 से 4 किलोमीटर वेस्ट साइड पर ट्रैवल करें तो M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे आती है जो लाहौर को इस्लामाबाद के साथ कनेक्ट करती है। अगर लाहौर स्मार्ट सिटी के डेवलपर की बात करें तो फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट है जो कि सब्सिडरी कंपनी है हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड की। हबीब रफीक पाकिस्तान में एक जाना पहचाना नाम है जिनकी पास्ट 60 ईयर्स की हिस्ट्री है। अगर उनके कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें जो उन्होंने डिलीवर किए हैं पास्ट 60 ईयर्स में तो उनमें सरफहरिस्त DHA लाहौर, DHA रावलपिंडी, बैरियर टाउन लाहौर, बैरियर टाउन रावलपिंडी, इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर, M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इस तरह के बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी में 7 मरला का रेजिडेंशियल प्लॉट 2 ब्लॉक्स में अवेलेबल है, एग्जेक्टिव ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक। ओवरसीज़ ब्लॉक में सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी बुकिंग करा सकते हैं जबकि एग्जेक्टिव ब्लॉक में लोकल पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी दोनों बुकिंग करा सकते हैं। अगर लाहौर स्मार्ट सिटी में 7 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट के साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ है 30x53, 30 फीट फ्रंट, 53 फीट लेंथ। अगर 7 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की डायमेंशन की बात करें तो ये 175 स्क्वेयर यार्ड्स का प्लॉट है। अगर गज़ों में बात करें तो 175 गज़ का प्लॉट है। अगर लाहौर स्मार्ट सिटी में 7 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट के करंट प्राइसेस की बात करें तो एग्जेक्टिव ब्लॉक में 7 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की टोटल प्राइस है 31 लाख रुपए, बुकिंग सिर्फ 3,10,000 रुपए से और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 2,06,000 रुपए। अगर ओवरसीज ब्लॉक में 7 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की टोटल प्राइस की बात करें तो टोटल प्राइस है 32,70,000 रुपए, बुकिंग सिर्फ 3,27,000 रुपए से और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 2,18,000 रुपए। 7 मरला का रेजिडेंशियल प्लॉट सोसाइटी की तरफ से 3.5 साल की इजी इंस्टॉलमेंट्स पर दिया जा रहा है। आप सिर्फ 10% पेमेंट करके अपने प्लॉट की बुकिंग करवा सकते हैं। एक माह बाद दोबारा आप 10% एज कन्फर्मेशन पे करेंगे और आपके प्लॉट की 20% पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। रिमेनिंग 80% पेमेंट आप 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। अगर लाहौर स्मार्ट सिटी में 7 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की ओल्ड प्राइस की बात करें तो एग्जेक्टिव ब्लॉक में 7 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की प्राइस थी 28,20,000 रुपये, बुकिंग से 5,64,000 रुपये से और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 1,61,000 रुपये। अगर ओवरसीज ब्लॉक में 7 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की ओल्ड प्राइस की बात करें तो टोटल प्राइस थी 29,75,000 रुपये, बुकिंग से 5,95,000 रुपये से और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 1,70,000 रुपये। आप अभी भी लाहौर स्मार्ट सिटी में 7 मरला का रेजिडेंशियल प्लॉट ओल्ड रेट पर बुक करवा सकते हैं। बुकिंग के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अगर लाहौर स्मार्ट सिटी में 7 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट का ओल्ड प्राइस का न्यू प्राइस का कंपैरिजन करें तो एग्जेक्टिव ब्लॉक में 7 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की ओल्ड प्राइस थी 28,20,000 रुपये, अभी रेट है 31 लाख रुपये। टोटल जो डिफरेंस आता है ओल्ड रेट में और न्यू रेट में वो है 2,80,000 रुपये। अगर ओवरसीज़ की बात करें तो ओवरसीज़ में ओल्ड रेट था 29,75,000 रुपये, न्यू रेट है 32,70,000 रुपये। टोटल जो डिफरेंस आता है ओल्ड प्राइस में और न्यू प्राइस में वो है 2,95,000 रुपये का। अगर लाहौर स्मार्ट सिटी में 7 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट के डेवलपमेंट चार्जेस की बात करें तो सोसाइटी ने जो पेमेंट स्केड्यूल अनाउंस किया है उसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ द लैंड है। आप में से बहुत से लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि सोसाइटी ने अभी तक डेवलपमेंट चार्जेस क्यों अनाउंस नहीं किए। उसकी एक बेसिक सी रीजन है कि सोसाइटी अभी नॉन डेवलप्ड है, सोसाइटी में डेवलपमेंट इनिशियल स्टेजेस पर है। एक चीज़ अभी तक डेवलप्ड ही नहीं हुई तो आप कैसे उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आज से 2 साल बाद, 2.5 साल बाद जब सोसाइटी अपने काफ़ी ब्लॉक्स डेवलप कर लेगी और पोजेशन देने की कंडीशन में आ जाएगी तब सोसाइटी अपने डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस करेगी। अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी में एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट चार्जेस की बात करें तो ये 70,000 से लेके 1 लाख रुपीस पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस एक्सपेक्टेड हैं। इसकी बेसिक सी रीजन ये है क्योंकि हबीब रफीक लिमिटेड का जो पहला प्रोजेक्ट था कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद, वहां पर डेवलपमेंट चार्जेस 1,20,000 रुपए पर मरला है। लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद की लैंड में और लाहौर स्मार्ट सिटी की लैंड में काफी ज्यादा डिफरेंस है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की लैंड पोटवा रीजन में आती है जिसकी वजह से वहां पर डेवलपमेंट करना काफी मुश्किल है और काफी ज्यादा कॉस्ट आती है। इन कंपेरिजन लाहौर स्मार्ट सिटी की लैंड काफी लेवल लैंड है और डेवलपमेंट करना ईजी है जिसकी वजह से कॉस्ट कम आती है। बहुत से क्लाइंट की तरफ से क्यूरीज आती है कि हम ये डेवलपमेंट
डेवलपमेंट चार्जेस कब पे करेंगे, एट अ टाइम ऑफ बैलेटिंग पे करेंगे, एट अ टाइम ऑफ पोजीशन पे करेंगे, या एंड ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लान पे करेंगे। ये डेवलपमेंट चार्जेस आप एट द टाइम ऑफ पोजीशन पे करेंगे और वो भी मोस्ट प्रोबेबली आप चार क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। जब आपको पोजीशन हैंड ओवर कर दिया जाएगा प्लॉट का, तब आप पहली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जो होती है डेवलपमेंट चार्जेस की वो पे करेंगे और आपको प्लॉट हैंड ओवर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग तीन इंस्टॉलमेंट्स हैं डेवलपमेंट चार्जेस की, वो आप तीन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। अगर प्राइम लोकेशन के चार्जेस की बात करें तो पार्क फेसिंग कॉर्नर मेन बुलेवार्ड बिटवीन 41 फीट एंड 99 फीट जो होगी उसके 10% एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। अगर मेन बुलेवार्ड 100 फीट और अबव हुई तो उसके 15% एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। अगर लाहौर स्मार्ट सिटी में सात मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की लोकेशन की बात करें कि एग्जैक्टिव ब्लॉक में और वो इस ब्लॉक में किस किस जगह पर लोकेटेड है, अभी आप अपनी स्क्रीन पर लाहौर स्मार्ट सिटी का प्रपोज्ड मास्टर प्लान देख सकते हैं। ये मास्टर प्लान सुरबाना जोंग ने डिज़ाइन किया, जो कि एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। ये प्रपोज्ड मास्टर प्लान है, अगर इसको कॉन्सेप्चुअल मास्टर प्लान भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम सोसाइटी इसमें चेंजेस कर सकती है। लेकिन अगर आज की डेट में बात करें कि आज की डेट में सोसाइटी ने सात मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग्स कहाँ पर रखी हैं, तो ये जो रोड आपको नजर आ रही है ये N5GT रोड है, जो लाहौर को गुजरांवाला के साथ कनेक्ट करती है। जो ग्रीन कलर का पैच आपको नजर आ रहा है, ये काला शाह काकू इंटरचेंज है। काला शाह काकू इंटरचेंज से ये जो राइट तरफ रोड जा रही है ये लाहौर बाईपास है। लाहौर बाईपास आगे डायरेक्टली जाकर लिंक करती है लाहौर रिंग रोड के साथ। लाहौर बाईपास के एडजेसेंट ये जो ब्लॉक आपको नजर आ रहा है ये ओवरसीज ब्लॉक है। यहाँ पर सात मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग्स रखी गई हैं और ये जो ब्लू कलर का बॉक्स आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर लाहौर स्मार्ट सिटी में कमर्शियल हब बनाया जाएगा। उसके एडजेसेंट ओवरसीज ब्लॉक के लिए लैंड रिजर्व की गई है, वहाँ पर सात मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग्स रखी गई हैं। ओवरसीज ब्लॉक की ये जो नॉर्थ साइड पर एग्जेक्टिव ब्लॉक के लिए लैंड रिजर्व की गई है, यहां पर सात मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग्स रखी गई हैं। और लास्ट पे एंड पे आप देखें तो ये स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट आपको नजर आ रहा है, इसके एडजेसेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के लिए लैंड रिजर्व की गई है, वहां पर सात मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग्स रखी गई हैं। सो व्यूवर्स, दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग के हवाले से कुछ भी मालूम चाहिए तो मेरा नंबर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर अवेलेबल है, 03457777848। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर। शारे सीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। Thank you.